आपकी कोई भी उम्र हो, चाहे आप टीनेजर हैं या फिर आप अडल्ट हैं या फिर आप मिडिल एज हैं या फिर आप रिटायर्ड हैं, आपने एक बात देखी होगी अब तक की जर्नी में, अब तक की लाइफ जर्नी में कितने सारे लोगों से मिलना हुआ होगा। तो उसमें क्या है, हम बहुत सारे लोगों से अटैच्ड हो जाते हैं और जिनसे हम अटैच्ड होते हैं उनमें से कुछ लोगों से हमारा जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और उन्हीं में से बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे एंटी हो जाते हैं या हम उनके एंटी हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे शुरू से ही एंटी होते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं या हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो हम जिन्हें पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो हम थोड़े से क्रिटिक बन जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और हमें खुद को रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उस वक्त अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। किन लोगों के साथ, जो हमारे साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिनसे हमारा मेल जोल होता है, और जिनसे हमारा मेल जोल होता है उनके लिए हम ओवर इंक्लाइंड होते हैं, उनके लिए हम ओवर अटैच्ड होते हैं, ओवर फ्रेंडली होते हैं। और इस तरह से हमने क्या खोया, हमने अपने जो इमोशंस थे, जो अपनी तरफ लगने थे, वो हमने उन लोगों की तरफ जिनसे हम ओवर अटैच थे या फिर उन लोगों की तरफ जिनसे हम ओवर डिटैच थे स्पेंड कर दिए, और हम उस नॉर्मल स्टेट में, उस न्यूट्रल स्टेट में आ ही नहीं पाए। तो हमारे संत कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब हम एक ऐसे इंसान हैं जो इस दुनिया में आए हैं जो एक बाज़ार में खड़े इंसान के बराबर है। मतलब हमारे आसपास में ये बाज़ार है, ये जो लोग हैं ये बाज़ार में चलने वाले लोग हैं। इस दुनिया को कबीर जी ने एक बाज़ार की तरह बताया है। तो ये बाज़ार में चलने वाले लोगों से जब आप बाज़ार में जाते हो तो क्या आप किसी से दोस्ती या दुश्मनी मानते हो? नहीं मानते। सब्जी वाला अपनी सब्जी बेच रहा है, कोई अपने फल बेच रहा है, कोई अपना बाइक पे जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। तो ना तो हमारा किसी से बैर है, ना हमारी किसी से दोस्ती है। क्या आप बाज़ार में चलते हुए किसी का बुरा चाहोगे कि हाँ भाई ये जो फल वाला फल बेच रहा है ना, इसका कुछ बुरा हो जाए? नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही कहोगे कि भगवान इसका भला करे, मेरी इससे कोई परेशानी नहीं है। तो कितनी सुंदर बात कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा इस दोहे को। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब हमें कबीरदास जी के दोहे से ये समझना है कि हम इस दुनिया नामक बाज़ार में हैं और ना तो हमें किसी से दोस्ती करनी है और ना हमें किसी से बैर करना है। हमें अपनी ज़िंदगी, अपने इमोशंस अपने लिए संभाल के रखने हैं, अपने काम में, अपने पर्पस में इन्वेस्ट करने हैं और सबकी खैर मांगनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डीपली ऑनर योर पैशन फॉर लर्निंग एंड योर विलिंगनेस टू चेंज। I believe you are one of those few who want to be the new you. On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.